कोल्हुआ के अशोक स्तंभ के भ्रमण के बाद हम लोग निकल पड़े वैशाली विश्व शांति स्तूप की ओर, जो कि कोल्हुआ के अशोक स्तंभ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से हमें और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है विश्व शांति स्तूप जाने के लिए। और आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए विश्व शांति स्तूप वैशाली। आइए अब हम बातें करते हैं विश्व शांति स्तूप वैशाली के इतिहास के बारे में। विश्व शांति स्तूप का निर्माण लोटस सूत्र की शिक्षा के अनुसार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रेम एवं शांति का उपदेश देना तथा पृथ्वी पर पवित्र भूमि का सृजन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु विध्वंस की घटना को देखकर परम पूज्य निचिदात्सु फुजुई गुरुजी ने समग्र विश्व में स्तूपों का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विश्व शांति स्तूप वैशाली का निर्माण भारत और जापान के उपासकों की सहायता से किया गया है। गौतम बुद्ध के अवशेषों को स्तूप के नींव एवं कंगूरे पर सुशोभित किया गया है। निर्माण कार्य का शुभारंभ अप्रैल 1990 में तथा समापन अक्टूबर 1996 में हुआ था। इस स्तूप का व्यास 65 फीट है और इसके स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफ़ी सामान है। यह स्तूप कोरोनेशन टैंक के निकट है और यहां भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह स्थान हमेशा सद्भाव और बुद्ध के सिद्धांतों का स्थल है, जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का आह्वान देता है। शायद कोविड के लॉकडाउन के चलते विश्व शांति स्तूप वैशाली का रखरखाव पे उतनी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका असर हम लोग साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काले काले धब्बे हो चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग वैशाली विश्व शांति स्तूप का रखरखाव कर रहे हैं वो इस पे ध्यान देंगे। इस शांति स्तूप में भगवान बुद्ध की कुल 4 प्रतिमाएं हैं, जो कि उनके जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और धर्म प्रचार और निर्वाण को दर्शाती है। Oh,
आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं अपने वीडियोस में और चेंजेस ला सकूं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। और वीडियो के अंत में मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ कुछ मोशन पिक्चर्स के साथ।